इधर क्या है भाई? विनती करूंगा एक बार दोनों मुट्ठी बंद करके बोलो भारत माता की। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे को और ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली में और दिल्ली के मैं कनॉट प्लेस में हूँ। कनॉट प्लेस जो है एक भीड़भाड़ वाला इलाका है, ठीक है, और आर्थिक केंद्र है। यहाँ खंभों वाली जर्जिया शैली की इमारतें हैं। यहाँ दुनिया भर के मशहूर चैन स्टोर, पुराने थिएटर, बार और भारतीय रेस्टोरेंट है। जनपद बाजार में साड़ियाँ, कढ़ाई किए गए बैग और सस्ते नकली गहनों के स्टॉल भी लगते हैं। आपको मैं एक और चीज दिखाने वाला हूँ जिसको पालिका बाजार भी कहते हैं। वहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते चीप रेट में आपको सामान मिल जाएगा। दुनिया भर का सामान आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें भी देखने को मिल जाएंगी। अभी वैसे शाम के 4 बज रहे हैं तो इतना रश नहीं होगा, क्योंकि एक यहाँ पे एक सबसे बड़ा पार्क कहलाया जाता है सीपी पार्क, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लैग भी लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग। वहाँ पे कपल्स आते हैं दूर दूर के, बैठते हैं, वहाँ पे प्रैंक भी चलती है, शूटिंग भी होती है। तो मैं आपको वो पार्क भी दिखाने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहना। कनॉट प्लेस में आपको कुछ इस तरह से ऊंची ऊंची इमारतें मिलेंगी देखने के लिए, जितने भी ये क्वार्टर है, और इसमें सब ये प्राइवेट ऑफिस खुले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, ये देखिएगा कितनी जर्जर हो रखी है ये बिल्डिंग। अभी मैं जा रहा हूँ सीपी की ओर, तो मेरा रास्ता इधर है। मेरा यहाँ से सफर स्टार्ट होता है कनॉट प्लेस का। सबसे पहले मैं जाऊंगा पालिका बाजार। पालिका बाजार में मैं आपको दिखाऊंगा एक से एक लग्जरी चीजें। तो चलिए पालिका बाजार चलते हैं। सबसे पहले आप कनॉट प्लेस की जनपद मार्केट देखिएगा। ये जनपद मार्केट है और कुछ इस तरह से डॉगीज यहाँ पे फिर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। और ये जनपद मार्केट है, यहाँ इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, चीप रेट में मिलते हैं, सिर्फ 250 रुपए में, और इतना चीप रेट मुझे आज तक कहीं दिखा भी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। बड़े से बड़े घराने के लोग कपड़े खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, फॉरनर आते हैं, जैसे कि ये सब खरीद रहे हैं। ये देखिएगा, ये सब यहाँ से सब सामान खरीद रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अभी हम चल रहे हैं पालिका बाजार। कनॉट प्लेस की मार्केट कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये अलग मार्केट है जनपद मार्केट, और आपको पालिका मार्केट जो मिलेगी वो अलग मिलेगी, वो एकदम नीचे है, यानी कि हाई में है। और मेट्रो भी नीचे चलती है सुरंग में, और वो भी सुरंग में ही बनी हुई है। मैं पता नहीं नीचे क्या दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं। अभी इस वक्त मैं हूँ जनपद मार्केट में, और जनपद मार्केट में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है। संडे है आज, तो सभी लोग आए हुए हैं पिकनिक मनाने, घूमने के लिए। सभी कुछ अपना कपल्स, टूरिस्ट, सभी लोग आए हुए हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं। कितना सामान यहाँ पे लोग खरीद भी रहे हैं, मैं भी इनको देख कर इंजॉय कर रहा हूँ। और चलिए और आगे चलते हैं। सीपी में काफी बार आ चुका हूँ, लेकिन जनपद मार्केट जो है मैं पहली बार आया हूँ, और मार्केट देखकर मैं हिल चुका हूँ। इतने सारे लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, अब पता चला ये 250 रुपए में इतनी शॉपिंग कर लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत ही ज्यादा। पता चल गया मुझे सारा राज क्या है। ये जो ट्रेंड दिखाते हैं ना, ये सब, ये जो रेडियां लगी पड़ी है सब दुकानों पर, ये सब यही पहनते हैं, कुछ नहीं। गाइज मैंने आपको जनपद मार्केट पूरा दिखा दिया, अब मैं जा रहा हूँ पालिका बाजार। पालिका बाजार में आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा पालिका बाजार है। पालिका बाजार जो है वो सुरंग के अंदर है। अभी मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा सही से, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ियां ही गाड़ियां आ रही हैं। अकेला बंदा हूँ जो घूमता फिर रहा हूँ, सब कपल्स हैं, दोस्त है, ग्रुप में है, मैं तो बस अकेला ही हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार।
हम आ चुके हैं पालिका गेट नंबर 5 पे, तो चलिए चलते हैं। पालिका गेट नंबर 5 पे चल रहा है रेनोवेशन। ये देखिएगा, मैं कह रहा था ना आपसे, इतना बड़ा सीपीआई है, ये फ्लैग भी लगा हुआ है, ये पूरा जितना भी ये पार्क है, और नीचे जो है बाजार है आपका। तो मैं आपको बाजार भी दिखा देता हूँ, पूरा बाजार कितना बड़ा बाजार है भाई यहाँ का। तो जनपद मार्केट दिखाने के बाद मैं आया हूँ अब पालिका बाजार में। पालिका बाजार दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ का रिएक्शन दिखाऊंगा, कितने लोग यहाँ पर मुझे रोकेंगे, ये लीजिए वो लीजिए और अपना टैटू बनवाइएगा। लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे कुछ करवाना ही नहीं है। तो सुबह से घूमने के बाद अब लगने लगी है भूख, जो मैं खा रहा हूँ अब हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी कुछ इस तरह से है, देखने में इतनी लजीज लग रही है तो खाने में कैसी लगेगी। पालिका बाजार में जाने के लिए कुछ इस तरह से भीड़ लग रही है, ये देखिएगा लाइन इतनी लंबी है, क्या ही बताऊं, वहां तक लाइन है और ये सामने आप देख रहे हैं। तो ये आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। इस बाकी के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं रैप अप करता हूं। धन्यवाद।